हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ड्रामा मूवी को जिसका नाम है एडोरेशन, जिसे 2013 में रिलीज किया गया था, जिसे डायरेक्ट किया था एनी फोंटेन ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 6.2 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी स्टार्ट होती है लीला और रोज के बचपन से। वो दोनों बहुत ही अच्छी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। दोनों को समुद्र बहुत पसंद था और दोनों ज़्यादातर टाइम समुद्र के किनारे ही बिताते थे। फिर हम देखते हैं दोनों बड़ी हो चुकी हैं। शुरुआत में ही लील के पति की मौत हो जाती है, जो किसी बीमारी के चलते गुजर गया था। फिर हम लील का बेटा इयान और रोज़ का पति हेरल्ड और उनके बेटे टॉम को भी देखते हैं। इयान अपने फादर की मौत की वजह से खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन उसके साथ टॉम हमेशा रहता था। और फिर हम देखते हैं वो दोनों भी बड़े हो जाते हैं और उन दोनों को लील और रोज़ देख रही होती हैं। जैसे वो दोनों अच्छी बेस्ट फ्रेंड थीं, वैसे ही टॉम और इयान भी अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। उन चारों का ज़्यादातर टाइम एक साथ ही बीतता था। शाम को रोज़ का पति घर आता है। वो उसे गुड न्यूज़ देता है कि उसे सिडनी में अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल गई है और वो चाहता है कि हम लोगों को सिडनी जाना होगा। लेकिन रोज़ सिडनी नहीं जाना चाहती क्योंकि उसका पूरा बचपन यहीं पर बीता था और वो लिल को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इन दोनों की रिलेशनशिप की वजह से हेरल्ड को ये दोनों लेस्बियन लग रहे थे और वो सिर्फ मजाक कर रहा होता है। रोज़ के मना करने के बाद वो अकेला ही सिडनी निकल जाता है और फिर रोज़ समुद्र के पास निकल जाती है। वहाँ पहले से ही इयान होता है और उनकी बातों से पता चल जाता है कि इयान रोज़ को लाइक करता है। उसके बाद हम देखते हैं चारों ड्रिंक कर रहे होते हैं और वो डांस भी करते हैं। सब खत्म होने के बाद लिल वहाँ से चली जाती है, लेकिन टॉम ने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, तब इयान उसका ख्याल रखने के लिए वहीं पर रुक जाता है। फिर हम रोज़ को देखते हैं जो अपना काम ख़त्म करने के बाद सोने के लिए जाती है। फिर वहाँ इयान आता है और उसे देखते ही किस करने लगता है। पहले तो रोज़ उसे खुद से दूर करती है, लेकिन फिर उसकी भी चाहत बढ़ जाती है और उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। रात में टॉम पानी पीने के लिए उठ जाता है, फिर वो अपनी माँ को इयान के रूम से निकलते हुए देखकर सब कुछ समझ जाता है और वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो डिसाइड करता है वह लिल को सेड्यूस करेगा। वो सोचता है जब इयान ने मेरी माँ की ली है तो मैं उसकी माँ की लूँगा। और वो मॉर्निंग में ही लिल के घर पहुँच जाता है। पहले तो वो लिल से बात कर रहा होता है और फिर अचानक उसे किस करने लगता है, लेकिन लिल उसे रोक लेती है। उसके बाद टॉम उसे सब कुछ बताता है कि उसने रात में क्या देखा था, लेकिन वो टॉम का विश्वास नहीं करती। फिर वो इसके बारे में रोज से बात करना चाहती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। रात को टॉम उसके घर वापस आता है और उसके घर पर ही रुक जाता है। उसके इरादे अभी भी लिल की लेने के होते हैं और वो रात को उठकर लिल के कमरे में जाता है। उस वक्त टॉम कुछ नहीं करता और वो उसके बराबर में जाकर सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है और टॉम फिर से लिल को सेड्यूस करने लगता है और इस बार लिल खुद को रोक नहीं पाती और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। उसके बाद टॉम अपने घर जाता है और उसकी माँ उससे पूछती है कल रात तुम कहाँ थे, और वो सीधा सीधा उसे बता देता है कि मैं कल रात लिल के साथ वही कर रहा था जो तुम इयान के साथ कर रही थी। ये बात सुनकर रोज को गुस्सा आता है और वो टॉम को थप्पड़ मार देती है। फिर रोज़ लिल से मिलने जाती है। लिल उसे देखते ही समझ जाती है कि वो क्या बात करने आई है और वो दोनों एग्री कर लेती हैं कि इस बार उन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है। फिर वो दोनों इस सब को बंद करने का डिसाइड कर लेते हैं। लिल घर आकर इयान को सब कुछ बता देती है। वो उससे कहती है तुम्हें भी ये सब छोड़ना होगा, लेकिन इयान उससे कहता है मैं रोज़ से बहुत प्यार करता हूँ। फिर इयान रोज़ के घर जाता है और रोज़ भी उसे यही बताती है सब कुछ ओवर हो चुका है। फिर रोज़ उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। इयान फिर से उसे किस करने लगता है। रोज़ सब कुछ भुलाकर फिर उसे देने लगती है। उधर टॉम भी लिल की दबा के लेता है। फिर लिल और रोज़ दोबारा मिलते हैं। अफेयर की वजह से दोनों बहुत खुश थे और वो उसे कंटिन्यू रखने का डिसाइड करते हैं। फिर हेराल्ड सिडनी से घर वापस आता है और वो टॉम को देखता है। वो समझ जाता है कि उसने कोई गर्लफ्रेंड पटा रखी है। हेराल्ड सिडनी की रोज़ के सामने बहुत तारीफ करता है, लेकिन अभी भी टॉम और रोज़ उसके साथ जाने से मना कर देते हैं और हेराल्ड नाराज़ होकर वापस चला जाता है। इस तरह से 2 साल गुजर जाते हैं और उन चारों का अफेयर अभी भी चल रहा होता है। अब इयान लिल के साथ उसकी कंपनी में काम करता है। रोज़ और हेराल्ड का डिवोर्स हो चुका है और टॉम थिएटर ड्रामा को डायरेक्ट करने का काम करता है। टॉम इयान को बताता है कि हेराल्ड ने उसे सिडनी बुलाया है ताकि वो उनके ड्रामा को डायरेक्ट कर सके। इयान उसे कहता है तुम्हें जाना चाहिए और टॉम सिडनी चला जाता है। वो हेराल्ड के घर पर रुकता है। हेराल्ड ने वहाँ पर दूसरी शादी कर ली थी और वो एक बच्चे का बाप भी है। ड्रामा के दौरान टॉम की मुलाकात मैरी नाम की एक लड़की से होती है और वो एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। और दूसरी तरफ इयान रोज़ की जमके बजा रहा था। रोज़ की उम्र बढ़ रही थी और वो जानती थी ये रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। फिर हम देखते हैं सिडनी में टॉम का ड्रामा ख़त्म हो जाता है और उसे घर आने की जल्दी थी क्योंकि उसे लिल की बजानी थी। हेराल्ड उसे रोकने के लिए बोलता है।
लेकिन वो मना कर देता है। घर आते ही वो लिल से मिलता है और उसे किस करता है। कुछ दिनों बाद हेरल्ड वहाँ पर आता है और अपने साथ मैरी को लेकर आता है, क्योंकि टॉम का बर्थडे था और पार्टी में टॉम मैरी के साथ डांस कर रहा था। और ये सब देखकर लिल की जल रही थी। वो समझ जाती है कि अब उनका अफेयर खत्म होने वाला है। पार्टी के बाद टॉम मैरी को छोड़ने भी जाता है। फिर हम देखते हैं लिल और रोज अफेयर को बंद करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी थी, अभी सिर्फ टॉम ने ही गर्लफ्रेंड बनाई थी और यान अभी भी सिंगल था, यानी रोज और यान का अफेयर अभी भी चल रहा था। लेकिन रोज का कहना था कि उन्होंने इससे साथ में ही स्टार्ट किया था और साथ में ही बंद करेंगे। फिर वो दोनों ये सब कुछ यान और टॉम को भी बताते हैं। टॉम मान जाता है और अफेयर को बंद करने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन यान नहीं मानता और वो नाराज होकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं टॉम और मैरी की शादी हो जाती है। शादी के दौरान यान हैना नाम की एक खूबसूरत लड़की से मिलता है। हैना यान को लाइक तो कर रही थी, लेकिन यान का ध्यान अभी भी रोज की तरफ था। अफेयर बंद होने की वजह से रोज भी थोड़ा उदास थी। रात में यान रोज के घर पर आता है, लेकिन रोज दरवाजा नहीं खोलती। फिर यान को गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर वहां से निकल जाता है। ये सुनकर रोज भी परेशान थी और वो अंदर रो रही थी। फिर हम देखते हैं यान सर्फिंग कर रहा होता है और वो रोज की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। इसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम देखते हैं यान हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहाँ उसके साथ लिल होती है। रोज उसे देखने के लिए आती है, लेकिन यान उससे मिलना नहीं चाहता था। फिर हम देखते हैं हैना उससे मिलने आती है और वो यान को उसकी फिजिकल थेरेपी में मदद भी करती है। और अब यान भी हैना को लाइक करने लगता है और उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। एक दिन हैना यान को उसके ऑफिस के बाहर मिलने आती है। फिर वो उसे कहती है वो प्रेग्नेंट है। फिर कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर यान और हैना की शादी हो चुकी है। टॉम और यान को एक एक बेटी भी थी। इसका मतलब लिल और रोज दादी माँ बन चुकी थीं। वो दोनों पूरी फैमिली के साथ बीच पर टाइम बिताने के लिए आए थे। रात को सब लोग घर पर होते हैं और लिल बच्चों को सुलाकर वहाँ से चली जाती है। डिनर के बाद सब बात कर रहे होते हैं। टॉम कुछ ज़्यादा ही पी लेता है, इसलिए वह बाहर घूमने चला जाता है। वहाँ से वो सीधा लिल के घर पर आता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और ये सब कुछ यान देख लेता है। यान ये सब कुछ रोज को बता देता है और उसकी बातें मैरी और हैना सुन लेती हैं। जब मैरी उससे पूछती है तब वो गुस्से में उसे सब कुछ बता देता है। हैना को भी पता चल जाता है शादी से पहले यान और रोज का अफेयर चल रहा था। ये सब सुनकर दोनों को बहुत गुस्सा आता है। फिर हैना और मैरी अपनी अपनी बेटियों को लेकर हमेशा के लिए चली जाती हैं। यान इस सब का जिम्मेदार रोज को मान रहा था, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही अफेयर को बंद करना नहीं चाहता था और रोज की वजह से उसे अफेयर बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ टॉम और लिल का अफेयर शादी के बाद भी चल रहा था और उनकी वजह से यान को लग रहा था कि वो तीनों मिलकर उसे चूतिया बना रहे थे, लेकिन रोज को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर यान अकेले में जाकर रोने लगता है। लिल भी रोते हुए रोज को सब कुछ बताने लगती है। दरअसल उन्होंने भी अफेयर को बंद किया था और वो उसे बताती है। शादी के कुछ दिन बाद मैरी ऑडिशन के लिए बाहर गई थी, तब टॉम लिल के पास आया था। तब वो दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाए और उनका अफेयर फिर से स्टार्ट हो गया। लिल ये सब रोज को बताना चाहती थी, लेकिन टॉम नहीं चाहता था। ये सब सुनकर रोज को भी लग रहा था ये सब उसी की वजह से हुआ है, लेकिन रियलिटी तो कुछ ऐसी थी कि सबने ही एग्री किया था। फिर हम देखते हैं यान तैरते हुए रोज के पास आ जाता है और उसके बराबर में सो जाता है और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। मूवी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहीं पर कर रुक जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।